अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना है सो सारे ठीक ठाक हो सो अल्लाह ताला निफ़्ज़ो ईमान नीचे हो सो। मैं जी सोना अपना अवैस राजा आज फिर सोनी खिदमत जी हाजिर ना जी एक नवी वीडियो नाल। आज ना सफ़र था जी रावल पिंडी ना ते मैं है चलो अज तुसा की नाल अपने सफ़र ने शामिल करी है ते तुसा की नाल फेरिया थोड़ी है। इस टाइम मैं मौजूद हाँ जी चौक पंडोड़ी उसने थोड़ा जहा पिछे मौजूद हाँ क्योंकि मैं है चलो अज चौक पंडोड़ी ने शहर तुसा की दसा ना मोटो ब्लॉग ही होना चाहिए ना जी। मैं चलो नाल तुसा की शहर दसने जुले हाँ अच्छे जुले हाँ चौकों तू गया फिर मुड़ी तो शाहबाग ना शहर तुम्हें दसा फिर अगर रवात तू गया मैं जाना बर्फाने तक बल्कि डोकसैदा तक उतें ही जा सफर ना करने हूँ आगाज़ नाल तुसा की जुलने हाँ बिस्मिल्ला जी। हाँ जी दोस्तों इतू दूर स्टार्ट हो जाने जी चौक पंडोड़ी नहीं तू सजा हो सो सीधे जाए तो कोट है नहीं तो अगर पिंडी है तो कोई नहीं जी बस खलती जी चौक पंडोड़ी सी माशाल्लाह जी पुरानी बसा मिल सन क्योंकि इतने नहीं सारिया बसा जी कोटे दर रेड़ी जानी भी ना हाल पुरानी ही बसा चलिया भी है तै चौक पंडोड़ी ना शहर है जी तकी सकने तुस अज तो रोडा पर रश कौन ही है रश थोड़ा घट ही सा मैं है चलो अपनी मौज मस्ती ना जिले अस जरा अगे तकी सकने शहर है तो यह नाल ही गए जो चौक पंडोड़ी का चौक आ हाँ जी तो नाल ही फिर मैं पहुँचे ना शाहबाग पहुँचे हैं मैं चलो इतनी स्टार्टिंग पॉइंट करी वीडियो ना क्योंकि अगर बनाई है सारी रोडें जी वीडियो तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं चलो शहर बाय शहर नहीं बनाने हैं। शाहबाग है जी माशाल्लाह यह छोटा जहा शहर आ काफ़ी ना है जी इस नाम शाहबाग ना माशाल्लाह जी फुटपाथा पर लगे हुए जे फुल लाए हुए दरख्त छोटे छोटे लगे बड़े प्यारे लगने फुटपाथ पर ना आसमान पर नीली चादर है बड़ा ही खूबसूरत लगना आसमान है इस टाइम आज मौसम बिल्कुल ही साफ सा बड़ा ही प्यारा जहा बिल्कुल जी जनाबे वाला अस हम पहुंचे जी मनकियाल है मनकियाल छोटा जहा शहर है जी शहर तो खैर बड़ा होना सा पर ब्रिज बनने ना छोटा जहा ही गया क्योंकि ब्रिज इस वजह से बनाया गया कि इतने असी ट्रेन का रस्ता सा गुजरना सा ट्रेन इतों निकलनी थी जी पिंडी तू गुजर खान और गुजर खान थी गया लोरल साइड जानी तो इस वजह तो फिर जरा पुल बनाया गया क्योंकि जिस टाइम ट्रेन नहीं थी इतने तो फिर गड्डिया लेकिन रुकना पैना था जिस जिस वजह टाइम ना काफ़ी ज़्यादा भी होना सा और बड़ी मुश्किल हो जानी थी तो हूँ खैर ये बनने में पुल बनने में काफ़ी सहूलत हुई जी आवाम की माशाल्लाह तो ट्रेन अपने गुजरी जानी थलो तो अस आवाम अपने जो गड्डियों पुलें अपने निकली जाने काफ़ी ज़्यादा सहूलत है जी पुल यह जरा शहर है जी ये है जी रवात मैं हम पूछा जी रवात है तो रवात तो अस हूँ चलना जी टी रोड है पर क्योंकि असं बाहर जुलना पिंडी आई साइड इतों बड़ी एहतियात जी चलना पीना क्योंकि गड्डिया काफ़ी तेज उछनी हुई कुछ ट्रक भी उछनी होने तो काफ़ी एहतियात में जरा चलना पैना मोटरसाइकिल पर खास करी तो मैं हम पूछे हैं जी इतों की नया यू टर्न इतने भी काफ़ी इतमान जी सुकून ना जरा रुकना पैना तो फिर जी जरा टर्न लपसी असं कुछ तखने आओ गड्डिया कौन जी निकलो गड्डिया जो मुड़ने तो मोटरसाइकिल पहले मुड़ी जाना जी तो मोटरसाइकिल तुम्हें पता है ना जरा सफर जरा ईजी हो जाना ईजी तो खैर नहीं होना इतना पर यह है कि बंदा जल्दी कुरा ना कुरा पहुंची जाना जिस जिस जाना होना है जी फ्लाईओवर पर फिर इसकी यूज़ कौन ही करना जी रोड पर रार पार लोग होने हैं बस एक शो पीस ही लगा वहाँ पर आवाम साड़ी बस ही है जी तुम्हें पता है सारे आने शार्टकट मारी है शार्टकट ही तुम्हें पता है फिर क्या होना ए चेक करो ना जी ट्रक पाकिस्तान में है पाकिस्तान ट्रक जी पूरी दुनिया ही बहुत मशहूर है खूबसूरती है याद में स्पीड बोर्ड भी लगा हुआ 80 तो 100 नहीं स्पीड पर जा ही सकने उतने मैं अगर ही बना सकता फुटपाथ पर माशाल्लाह जी ट्रक लगे हुए ना बड़े प्यारे लगने
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਨ ਕੈਮਰੇ ਮਾੜੇ ਦਰਅਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਗ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਜਿਸਮ ਲਗਾ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸਣਾ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਆ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਚ ਏ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਡੀ ਐਚ ਏ ਨੇ ਗੇਟ 1 ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਗੀਗਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਤੇ ਗੀਗਾ ਮਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸ਼ੌਣਕ ਰਹੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੇਟ ਵੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜੀ ਸਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਲ ਸਮਾਲ ਨੇ ਪੁੱਲ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਣਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਣੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਸੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਗਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਫਸੀ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਫੌਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡੀ ਐਚ ਏ ਨਵੀਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਸਾਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿੰਨਾ ਮੁੜੀ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਏ ਬਾਵੇਰਾਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡੀ ਐਚ ਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਰ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਪਾਰਕ ਔਰ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖੱਬੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮਰੀ ਰੋਡ ਔਰ ਸਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਨਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਰਫਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਰਫਾਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਜੀ ਦੂਆ ਰਸਤੇ ਪੁੱਜਾ ਸਦਰ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦ ਮਿਲਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਵਲੌਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਫਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰੀਆ ਤੋਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰਨੇ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਮਿਲੀ ਗਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੋ ਸੇ ਮਾੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਬਸ਼ਾ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਨੇ ਨੂਰ ਪਠਾਨ ਹੈ ਜੀ ਨੂਰ ਪਠਾਨ ਜਾਂ ਨੂਰ ਖਾਨ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ
खान साहब ने बेटे ने जी क्या ना इन्होंने खलील मोहम्मद ही ना ये भांजा है माशाल्लाह जी सोनू की खा रहे हैं वो यार रोड पर बड़ी एक मशहूर है जी आइसक्रीम इतने नहीं मैं आज उत्थे जोलने आइसक्रीम चेक करने जुड़ी तै लेट बेहद आए हैं मैं जलो राती जुलने क्योंकि इतने बाजार ही राती फिरने फुरने अपना एक मजा आया है ड्राइवर भी लगभग एक नाल जाना देखो आए जाने इसकी मैं आपको ड्राइविंग सिखाई थी जी एक साल पहले माशाल्लाह हाले जी वही साफ पाई सुना कहना फिजान मैं जी अब चेक करा वाकई कुछ सीखे ही कौन ही फर्क हो जी माड़े लाते हाले दसना पैना चाहता है शहजादा है जी तको तुम इसने करतूत तको त्रै बारी तो बंद करी दिया हाले थोड़ा ही साबरे सी फिर सही चल स्टार्ट करे ना अज स्टार्ट करते हैं तो निकला वैसे ना निकली सकने रोटी खाना है कौन कि कुमार स्टार्ट हो गया स्टार्ट क्यों खास मैं बिना माशाल्लाह जी स्टार्ट करी कि ना था है ट्राई ट्राई अगैन है आए हाए जने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी कि ना दुए गेरा झटका ही मरवाया सुना कि मैं आना पूरा अंदर लाई छड़िया है जी बच्चे क्या तू सी यारा दर थोड़ी गलती नहीं ना चलाया कोई तू मोटरसाइकिल है ना ये गल है ना हाँ जी तो चेक करी सकने तुस जने कुकड़ा भी खलते इतना है तो कुहा रश हाले कितना ज्यादा भी कोई नहीं जने तकने सुने नहीं वे बच्ची का वे लालमो मोटरसाइकिल चलना कौन ही ने कैसी बच्चे ये गल है ना हाँ फोन माड़े मूहे मार से या माड़े मूहे बस फोन फलाने चक्कर जे हाय 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 गिरजा रोड नजारे गिरजा रोड ना है यार एक शुआरमे ला चाचा बड़ा मशहूर है हो गया है ना बेकरी कोल चौका जी असं जोलने जी चौका जी असं कराने नजारे फिर मुड़ी वापस अच्छे फिर आइसक्रीम ना जरा ना चेक करने थोड़े ना हाँ आओ झंडा पाकिस्तान चेक करो सब तो बड़ा झंडा है इतना तो मोटरसाइकिल तो बगैर फिरन नहीं होना जी गड्डी अच्छी और फसी जाना बंदा मोटरसाइकिल मतलब फायदा होना के टेंशन नहीं होनी कोई रखा ली जाती जिधरों इधर उधर लब्बा उधर उधर लब्बा बाड़ी खड़िया है लुट लो मेले है सब्जी फ्रूट ले जाने लगे सौ रुपये किलो आओ भी अम है चौक आ जी चौक सेदा चौक है पहुंच गए इतने ही असं आना सा क्योंकि अच्छे में जो है ना शॉर्टकट रस्ते पर आया सा थोड़ी जी जल्दी सी मिगी पहुंचना से एक जगह तो मैं चलो हूँ इधर संजोला टोक सेदा चौक है तो है बर्फाने साइड जानी रोड चलो इतनी मुन्ने हैं क्योंकि
हूँ मुजम्मल आइसक्रीम पर जी इतू मैं आइसक्रीम घिनी है इन्होंने काफ़ी मिस करने से इन्होंने आइसक्रीम है कि है काफ़ी टाइम तो बाद जो है ना पूरा जायका चेक कर सुलने हूँ तकने रश तो तकी सकने वो अज तो इतना भी कोई नहीं पर इतना जो है ना लाइन लगे होनी सही करी गए ना रश बहुत होना इतने बहुत ज़्यादा रश होता है ना हाँ अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक हो सेहत ठीक है सरकार बनाओ ना दो कप लेकर चल बच्चे चेक करने हैं जी हूँ दिल करना जी खाना ही जो कुछ वाह ही ना इतना बेहतरीन जायका आया जबरदस्त जी चल फैज बंद कर हूँ खा दो मिगी दो त्रै खाने पे जी ना खाने का नहीं लगा कैसा है टेस्ट जबरदस्त जिंदाबाद मोशन कुदर है मजे ही आ गए ने जिंदाबाद मिगी ते फिर अगर मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो ठीक है मिगी दियो इजाजत अल्लाह सोने वाला है।